फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। दोस्तों, आज जिस प्रोजेक्टर का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो ऐसे तो पहले भी अवेलेबल था, लेकिन कंपनी ने उनके इस बेस्ट सेलिंग प्रोजेक्टर को अपग्रेड कराकर रीलॉन्च किया है। कंपनी ने इस प्रोजेक्टर को एक नए लुक में रीलॉन्च किया है और पुराने मॉडल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए नेम में जेन ऐड किया है। जी हाँ, आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ ईगेट O9 प्रो जेन ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर का, जो परफॉर्मेंस में पहले से भी बेटर हुआ है। एक तरह से ये एक न्यू लॉन्च ही है, जिसे कंपनी ने अपना फ्लैगशिप मॉडल डिक्लेयर किया है। इसमें ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन करेक्शन के साथ साथ ऑटो टिल्ट करेक्शन और ऑटो स्क्रीन फिट फीचर भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस फीचर भी है। इस प्रोजेक्टर का एक और वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसमें वाइड वाइन L1 दी गई है। कंपनी के अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्टर पे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार सभी को आप HD क्वालिटी में देख पाएंगे। इन प्रोजेक्टर्स की परचेज लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इन्हें वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है ईगेट O9 प्रो जेन ऑटोमेटिक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर, जो कंपनी ब्रांडेड सील बॉक्स में आता है। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक रिमोट, एक पावर केबल, एक HDMI केबल, एक AV केबल, एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड रखा मिलता है। प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है। इसे हाई ग्रेड ABS प्लास्टिक से कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस बार इस ईगेट O9 प्रो जेन ऑटोमेटिक की डिजाइनिंग और बेटर की गई है। प्रोजेक्टर की फिनिशिंग काफी अच्छी है। इसे बहुत ही नीटली डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्टर को डुअल टोन सिल्वर और डार्क ग्रे फिनिश दी गई है। कॉर्नर्स को स्किलफुली कर्व्ड करके प्रोजेक्टर को एक एलिगेंट स्मार्ट लुक इम्पार्ट किया गया है। अपर सरफेस पे डार्क ग्रे फिनिशिंग दी गई है, जिसके सेंटर में एक ब्यूटीफुली डिजाइन्ड ग्लास लुक पैनल में फिजिकल टच बटन्स एम्बेडेड आते हैं। ये फीचर इस प्रोजेक्टर को प्रीमियम कैटेगरी में ले आता है। आगे की ओर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है और एक हाइट एडजस्टिंग स्क्रू है, जिससे आप प्रोजेक्शन की हाइट स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। पोर्ट्स का प्लेसमेंट राइट साइड में और पीछे की ओर दिया गया है। इसमें आपको 5 वॉट के 2 स्पीकर्स मिलते हैं। पीछे की ओर डस्ट फिल्टर भी दिया गया है, जिसे खोलकर आप प्रोजेक्टर में एक्यूमुलेटेड डस्ट को ओकेजनली साफ भी कर सकते हैं। प्रोजेक्टर को कूल रखने के लिए वेंटिलेशन का खास ध्यान रखा गया है। साइड्स और पीछे की ओर काफी सारे वेंट्स दिए गए हैं। नीचे की ओर स्क्रू थ्रेड्स दिए गए हैं, जिससे आप इस प्रोजेक्टर को सीलिंग माउंट करने के अलावा ट्राइपॉड पे भी माउंट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर के साथ आपको एक वेल बिल्ट एलिगेंट लुकिंग रिमोट मिलता है, जो 2.4 GHz वाईफाई पावर्ड है। रिमोट को प्रोजेक्टर की तरफ ही पॉइंट करके आपको ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट करके प्रोजेक्टर को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर में आपको 2 HDMI और 1 USB पोर्ट दी गई है। इस प्रोजेक्टर में HDMI ARC दी गई है, जिससे आप अपने साउंड बार या होम थिएटर को इस प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके सिनेमा लाइक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक AV पोर्ट और एक AUX पोर्ट भी दी गई है। ये प्रोजेक्टर डुअल बैंड वाईफाई के साथ आता है और इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 दिया गया है। इसमें आपको ब्लूटूथ इन और आउट दोनों मिल जाती हैं। अब बात करते हैं कंपनी द्वारा दिए गए स्पेसिफिकेशंस की। तो ये एक नेटिव फुल HD प्रोजेक्टर है, जो 4K HDR सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 9600 ल्यूमेंस या फिर 900 ANSI ल्यूमेंस ब्राइटनेस दी गई है। प्रोजेक्टर का स्टैटिक कंट्रास्ट रेशियो 5000:1 है और डायनेमिक रेंज 20000:1 है। ये प्रोजेक्टर मैक्सिमम 300 इंचेस की स्क्रीन फॉर्म कर सकता है। इस प्रोजेक्टर की लैम्प लाइफ 30000 आवर्स है और इसमें 5x लेंथनाइट ग्लास लेंस दिया गया है। इसमें IPS प्लस PLS LCD horizontally लगाई गई है, जिससे वाइड व्यूइंग एंगल्स मिल जाते हैं। कंपनी क्लेम करती है कि इस समय PLS लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड IPS डिस्प्ले है। कंपनी का कहना है कि इस प्रोजेक्टर में 198 माइक्रो LEDs लगाई गई हैं, जिससे इतनी हाई ब्राइटनेस पॉसिबल हो पाई है। इसमें आपको 16:9 का वाइड स्क्रीन नेटिव एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। इसका थ्रो रेशियो 1.41:1 है।
इस प्रोजेक्टर में LCD और LEDs के बीच में एक LCD के साइज का पोलराइड लेंस लगाया गया है, जिसके थ्रू व्हाइट लाइट पास होकर व्हाइट कलर गैमेट क्रिएट करके विविड और रियलिस्टिक कलर्स बनाती है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्टर CMYK कलर मोड का यूज करके 36 मिलियन कलर्स क्रिएट कर सकता है। इस प्रोजेक्टर में PAL डिकोडिंग दी गई है और ये प्रोजेक्टर NTSC कलर गैमेट का 100% कवरेज दे देता है। इस प्रोजेक्टर में दिया गया इन्हांसर और सॉफ्टवेयर डिकोडर दोनों मिलकर पिक्चर्स को डिटेल्ड और शार्प बनाते हैं, साथ ही साथ स्मूथ फ्रेम ट्रांजिशन देकर रेनबो इफेक्ट को इलिमिनेट करते हैं। पिक्चर क्वालिटी इन्हांसमेंट के लिए इस प्रोजेक्टर में ईकोर इंजन दिया गया है। कंपनी दावा करती है कि ये इंडिया का ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर है, जिसमें कई फीचर्स ऐसे हैं जो पहली बार किसी प्रोजेक्टर में देखने को मिले थे। इसमें 6D ओमनी डायरेक्शनल कीस्टोन करेक्शन के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जायरोस्कोप सेंसर, TOF डुअल कैमरा लेजर सेंसर, ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन करेक्शन दिया गया है। प्रोजेक्टर को बिना अपनी जगह से हिलाए भी इसकी प्रोजेक्टर स्क्रीन को 100% से 50% तक जूम इन किया जा सकता है। इंडिया की वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कूलिंग के लिए इस प्रोजेक्टर में 3 बड़े फैंस लगाए गए हैं। ये प्रोजेक्टर सर्टिफाइड मल्टी चैनल डॉल्बी डिजिटल प्लस डिकोडर चिप के अलावा 10 वॉट्स के डुअल बॉक्स चेम्बर्ड हाईफाई स्पीकर्स के साथ आता है। ये एक एंड्रॉइड 9.0 प्रोजेक्टर है, जिसमें नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Z5 और हॉटस्टार जैसे एप्स प्रीलोडेड मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर में 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर लगा आता है और ग्राफिक्स के लिए है माली GPU। इसमें 1GB रैम और 8GB रोम दी गई है। ये प्रोजेक्टर एंड्रॉइड, iOS डिवाइसेस और लैपटॉप सभी के थ्रू वायरलेस मिररिंग सपोर्ट करता है। तो ये थी कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस। अब आते हैं इसके रियल परफॉर्मेंस पे। सबसे पहले बात करते हैं इसे सेटअप करने की। तो इस प्रोजेक्टर को सेटअप करना बहुत ही आसान है। बस इसे किसी डेस्कटॉप या फिर ट्राइपॉड पे प्लेस करके स्क्रीन के सामने रख दीजिए। ये प्रोजेक्टर स्क्रीन को पहचान कर उस पे प्रोजेक्शन करने लगता है। आप इस प्रोजेक्टर को साइड से भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल यही होगा कि आप इसे सेंटर के आसपास ही रखकर प्रोजेक्ट करें, जिससे कॉर्नर्स पे ब्लर मिनिमाइज हो जाए। इस प्रोजेक्टर में कॉर्नर्स पे ब्लर हार्डली देखने को मिलता है। प्रिसिशन के लिए इसमें आगे की ओर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है और साथ में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये प्रोजेक्टर एक इफर्टलेस सेटअप के साथ आता है, जिसे करना बहुत ही आसान है। आप जैसे ही प्रोजेक्टर को स्विच ऑन करेंगे, थोड़ी ही देर में फुली फोकस्ड इमेज अपने आप ही बन जाएगी। अगर आप थोड़ा बहुत फोकस और एडजस्ट करना चाहें तो रिमोट में दिए गए फोकस बटन से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस पे फोकसिंग आसानी से इसलिए हो जाती है क्योंकि जब इस प्रोजेक्टर की लाइट स्क्रीन पे पड़ती है तो डुअल कैमरा का सेंसर उस डिस्टेंस पे फोकस की क्लैरिटी और इमेज में डिस्टॉर्शन को समझ लेता है। फिर प्रोजेक्टर में दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज की डिस्टेंस और एंगल ऑफ डिस्टॉर्शन को कैलकुलेट करके ईकोर इंजन को उस डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करने का इंस्ट्रक्शन भेज देता है, जिससे वो एक्यूरेट फोकसिंग कर पाता है। ये सारा प्रोसेस कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है और आपको एक परफेक्ट स्क्रीन मिल जाती है। इसके अलावा भी इसकी इंटरनल सेटिंग्स में 4D कीस्टोन करेक्शन दिया गया है, जिसे आप कॉर्नर से प्रोजेक्शन करते समय यूज कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टर और बजट प्रोजेक्टर्स के मुकाबले थोड़ा पास से भी बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकता है। 9.5 feet की दूरी से ये प्रोजेक्टर लगभग 100 inch की स्क्रीन बना देता है। रही ब्राइटनेस की बात, तो इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, लेकिन ये कह पाना कि ये इंडिया का ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर है वो मुश्किल है, क्योंकि अभी मैंने इसे दूसरे ब्राइट प्रोजेक्टर्स के साइड बाय साइड रख के नहीं देखा है। लेकिन इट इज फॉर श्योर कि इसे वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर्स जरूर कहा जा सकता है। नॉर्मल कंटेंट तो एक एवरेज प्रोजेक्टर पे भी अच्छा ही लगता है, लेकिन ये वो प्रोजेक्टर है जिसपे आप OTT कंटेंट्स भी इंजॉय करेंगे। हॉलीवुड मूवीज हो या फिर नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और डिज्नी प्लस की वेब सीरीज, सभी इस प्रोजेक्टर पे काफी इंजॉयबल होती हैं। ब्राइटनेस अच्छी होने की वजह से पिक्चर्स में अच्छी डिटेल क्लैरिटी देखने को मिलती है, इमेजेस में शार्पनेस अच्छी मिल जाती है और आउटडोर सीन्स के साथ साथ इंडोर सीन्स भी इस प्रोजेक्टर पे अच्छे दिखते हैं। ब्लैक्स की बात की जाए तो वो प्रोजेक्टर के हिसाब से सफिशिएंटली डीप लगते हैं। जहाँ तक प्रोजेक्टर के कलर रिप्रोडक्शन की बात है तो वो नेचुरल लगते हैं, ऑलमोस्ट वैसे जैसे आप रियल लाइफ में अपनी आंखों से देखते हैं। इस प्रोजेक्टर के ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, जो आपको स्क्रीन से बांधे रखती है। सीन्स में एक डेप्थ दिखती है जो कॉन्टेंट के लाइव होने का भ्रम क्रिएट करती है।
इस प्रोजेक्टर में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है जो जनरली मोशन को कंट्रोल में रखता है, लेकिन कभी कभी फास्ट एक्शन सीन्स या कैमरा पैनिंग सीन्स में थोड़ा सा ब्लर दिख जाता है। क्योंकि ये काफी ब्राइट प्रोजेक्टर है इसलिए डिफ्यूज नेचुरल लाइट या फिर थोड़े से इल्यूमिनेटेड रूम में भी इसका अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। इस प्रोजेक्टर को एजुकेशन पर्पसेस या फिर प्रेजेंटेशंस के लिए इल्यूमिनेटेड रूम्स में भी यूज किया जा सकता है। लेकिन ये याद रखिए कि किसी भी प्रोजेक्टर, चाहे वो जितना भी ब्राइट क्यों ना हो, उसका बेस्ट परफॉर्मेंस डार्क रूम में ही मिलता है। ये प्रोजेक्शन आप सिंपल 130 इंचेस की व्हाइट स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आपके पास स्पेस है तो आप 200 से लेकर 250 इंच की स्क्रीन भी बना सकते हैं। कई लोग कमेंट सेक्शन में आकर मेरी स्क्रीन की लिंक मांगते हैं, तो मैंने इस स्क्रीन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहे तो उसे परचेज कर सकते हैं। ऑडियो की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर की ऑडियो काफी लाउड और बहुत ही क्लियर है, साउंड हाई डेफिनेशन मिलती है। ये प्रोजेक्टर डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता है, लेकिन जब आप इसे किसी एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फिर फायर टीवी स्टिक से कनेक्ट करेंगे तो फिर ऑडियो उस कनेक्टेड डिवाइस पे डिपेंड करेगी। मैं पागल हूँ और बहुत पागल के दिल सच्चा है। मैंने भिजवाई उसे झूठी खबर, तारों से गया किया भी तेरे जरा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊं। इस प्रोजेक्टर में दो HDMI पोर्ट्स दी गई हैं, जिनमें से फर्स्ट वाली ARC सपोर्ट के साथ आती है। आप इस प्रोजेक्टर को किसी भी साउंड बार या फिर होम थिएटर से HDMI ARC के थ्रू कनेक्ट करके सिनेमा हॉल लाइक ऑडियो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। कोशिश करता इस और बेटिंग लेयर्स थे और पहला लेयर खाली था, लेकिन दूसरा लेयर खाली नहीं था। अगर दर्द और सफरिंग को 1 से 10 तक नापा जाए, सलेटी रंग के कबूतरों की भीड़ में मसक कली है जो भैया, इसे अभी यही खत्म करना होगा। तो पहले हमें वैक्सीन तैयार करना होगा। पठान, What the hell, sir? चीज़ आया सर पठान, इसी की वजह से हमें यह वायरस का एक अपील है। ये एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जिसमें आपको एंड्रॉइड 9.0 मिलता है, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्टर्स में ऑफिशियल एंड्रॉइड नहीं आता है, इसलिए YouTube छोड़कर आपको किसी भी दूसरे एप्लीकेशन में हाई रेजोल्यूशन कंटेंट नहीं मिलता है। YouTube में तो ये प्रोजेक्टर 1080p रेजोल्यूशन दे देता है, लेकिन दूसरे एप्लीकेशंस को हाई रेजोल्यूशन में देखने के लिए आपको इसके साथ एक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फिर टीवी स्टिक की जरूरत पड़ेगी। मैंने इसे Xiaomi के 4K टीवी स्टिक से कनेक्ट किया हुआ है और मैं हर एप्लीकेशन में हाई रेजोल्यूशन कंटेंट एक्सेस कर पा रही हूँ। इसके थ्रू YouTube पे 4K रेजोल्यूशन मिल जाता है और बाकी सारे एप्स फुल HD रेजोल्यूशन में प्ले होते हैं। USB पोर्ट के थ्रू आपको इस प्रोजेक्टर पे 4K HDR सपोर्ट मिल जाता है। 4K HDR कंटेंट्स इस प्रोजेक्टर पे स्मूथली रन होते हैं। पेन ड्राइव के साथ साथ ये प्रोजेक्टर हार्ड ड्राइव को भी सपोर्ट करता है। रही गेमिंग की बात, तो इस प्रोजेक्टर के थ्रू आप जाइंट स्क्रीन पे गेमिंग कर सकते हैं। इस पे आपको बहुत बढ़िया ग्राफिक्स मिल जाते हैं और कोई लैग या स्टटरिंग परेशान नहीं करती है। रिस्पांस भी ऑलमोस्ट इंस्टेंट मिल जाता है। रही बात वारंटी की, तो ईगेट अपने इस प्रोजेक्टर पे 1 ईयर की वारंटी देता है। इस प्रोजेक्टर के बॉक्स पे QR कोड दिया गया है, आपको उसे स्कैन करके वारंटी रजिस्टर करानी होगी। वारंटी बेनिफिट्स अवेल करने के लिए ये प्रोसेस मैंडेटरी है। वारंटी पीरियड में कंपनी फ्री डोरस्टेप पिकअप और ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करती है। मेरी ओपिनियन में ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्टर्स है, जो बढ़िया ब्राइटनेस, बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और अच्छी साउंड के चलते घर बैठे आपको सिनेमा हॉल का एक्सपीरियंस देने में फुली केपेबल है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।